हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मैंने एक पुराने इन्वर्टर को जो कि बिल्कुल कबाड़ में पड़ा हुआ था, इसे मैंने फिर से एक नया इन्वर्टर के रूप में इसे बना दिया है। और मैंने इसमें एक 300 वाट की पीसीबी लगाई है जो कि हमें 600 से 650 रुपये की मिली है, आपको भी ऐसे ही मिलेगी। और इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि 4 नंबर कोर का बना हुआ और 2.5 इंच में है ये। और ये हमारा इसमें 3 टेपिंग निकली हैं, एक न्यूट्रल है, एक 270 वोल्ट है, एक है 140 वोल्ट। और मैंने इसमें एक ये बैटरी कनेक्ट की है जो कि 80 mAh की बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है, आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से हमने इसमें टर्मिनल पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाया और सॉरी निगेटिव को निगेटिव से एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव से इस तरीके से कनेक्ट किया। तो आप इसमें पॉजिटिव निगेटिव का विशेष ही ध्यान रखें, नहीं तो आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने निगेटिव को निगेटिव एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और इस साइड भी मैंने इसमें बैक साइड में कनेक्ट कर दिया। और ये हमने एक चार्जिंग फ्यूज भी इसमें लगा कर रखा हुआ है जिससे कि कोई फॉल्ट आता है इसके अंदर तो फ्यूज हमारा चार्जिंग के दौरान उड़ जाए और हमारा सर्किट सेफ हो जाए। और आप देख पा रहे ये हमारे चार्जिंग के वायर्स हैं, ये देखिए, इससे हमारी ये इन्वर्टर चार्ज होगा। और मैंने एक ये 100 वाट का लोड और एक ये 200 वाट का, 300 वाट का ये लोड और एक ये 40 वाट का लोड। तो मैंने इसमें 300 वाट पर ऑटो कट सेट किया है ओवरलोड कि हमारा जो 300 वाट के ऊपर कोई सा भी लोड हो तो कट हो जाए। तो आप देख पा रहे ये ओवरलोड की लगी हुई, इसमें लिखा हुआ है ओवरलोड, साफ साफ लिखा है दोस्तों। तो इसको आप घुमा करके सेट कर सकते हैं। और ये है हमारा बजर और ये इससे हम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, इससे हम आउटपुट वोल्टेज सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये जो आप देख पा रहे जो ब्लू कलर की लगी है प्रीसेट, ये हमारे चार्जिंग वोल्टेज की है, आप देख पा रहे हैं चार्जिंग वोल्टेज लिखा हुआ है। और ये हमारा चार्जिंग करंट, मतलब हम कितने एम्पियर से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं उसके लिए सेट करने के लिए। और ये बाकी ये स्विच लगी हुई है और ये दो इसमें मॉस्फेट लगी हुई है। और मैं आपको बता दूँ कि ये मॉस्फेट कितने नंबर की है, ये आप देख पा रहे ये IRF Z44N नंबर मॉस्फेट है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से पीसीबी काम कर रही है। और इसमें मैंने ट्रांसफार्मर के वायर्स को कनेक्ट कर दिया है दोनों, एंड पॉजिटिव को इधर से कनेक्ट कर दिया है जो कि सीधा एम्पियर मीटर में गया और एम्पियर मीटर से सीधा बाहर चला गया है बैटरी के लिए, और निगेटिव आकर सीधा पीसीबी में यहाँ पर कनेक्ट हो गया, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। और जो स्विचेस के वायर हैं, ये जो जैक लगा हुआ है इससे हमारे स्विच में चले गए हैं वायर, और इस साइड आप देख पा रहे हैं सारे इंडिकेटर्स में चले गए हैं वायर्स। और मैं आपको दिखा दूं इसमें इसमें ये वायर्स लगे हुए हैं, ये बैटरी पॉजिटिव है, इधर वाला ये जो ब्लैक वाला है ये हमारा न्यूट्रल है। और आप देख पाए जो न्यूट्रल के बगल में है ये 140 वोल्ट की टेपिंग का है जो ट्रांसफार्मर से आया है इधर से, और उसके बगल वाली 260 वोल्ट की टेपिंग का इधर से तीसरी नंबर हमारी 260 वोल्ट की है, मतलब इधर से 1, 2, 3 इधर से हमारी तीसरी जो ग्रीन वाली है ये हमारी 260-70 वोल्ट की टेपिंग है। और उसके बाद हम बात करें ये हमारी आउटपुट है जो कि इधर से 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर में ये हमारी आउटपुट है। और उसके बाद में बात करें जो बैटरी के बगल में लगी हुई है ये हमारे मेंस इनपुट की है। तो फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन इस प्रकार थे जो है, आप समझ गए होंगे। तो आइए अब इसकी लाइव टेस्टिंग पर चलते हैं। और ये इधर एक ये सॉकेट लगा हुआ है बैक साइड में जो कि इधर से हम आउटपुट बाहर लेंगे, और मैंने इधर इसमें लोड को कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको दिखाता हूँ आगे साइड से, तो आप देख पा रहे हैं ये अभी बहुत ही गंदा है, अभी मैंने इसे साफ़ नहीं किया, इसे मैं साफ़ करूँगा और इसे अभी पैक वैक करूँगा। तो मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेता हूँ जिससे कि इसे खुला रहेगा तो आपको समझाने में आसानी रहेगी हमें, नहीं तो हमें बार बार पैक अप करना पड़ेगा इसे। तो आप देख पा रहे ये हमारी मेंस की स्विच है और ये इन्वर्टर की स्विच है, और ये हमारा एम्पियर मीटर है जो कि 30 mAh तक हमें रीडिंग दिखाता है। और ये हमारी मेंस का इंडिकेटर है, ये इन्वर्टर का इंडिकेटर है, ये बैटरी चार्जिंग का इंडिकेटर है, ये ओवरलोड का इंडिकेटर है, ये लो बैटरी का इंडिकेटर, एंड ये फ्यूज ब्लो का है, मतलब जब हमारा फ्यूज जो मैंने पीछे साइड लगा ये उड़ जाएगा तब ये हमारा इंडिकेटर काम करेगा। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं मैं इसमें 300 वाट का लोड कनेक्ट कर दिया इस साइड से इसके बैक सॉकेट में। एंड फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूँ तो आप एम्पियर मीटर में देख पा रहे हैं ये हमारा 300 वाट का लोड चल रहा है और ये हमारे 30 एम्पियर से ज़्यादा लोड बैटरी से ले रहा है। आप देख पाए 300 वाट बहुत ही अच्छी तरीके से जल रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स।
ये बहुत ही तेज़ जल रहे हैं। और अब मैं इसका ओवरलोड दिखाता हूँ कि मैंने इसका ओवरलोड कैसे सेट किया है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें ये स्विच लगी है जिसमें कि मैंने 40 वाट का एलईडी बल्ब लगाया है। जैसे ही मैं ये एलईडी बल्ब को ऑन करता हूँ तो आप देख पा रहे ये हमारा बैटरी लो का ओवरलोड का इंडिकेटर आ गया है और हमारा लोड ऑफ हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है और हमारा बजर भी बजना चालू हो गया है। और जैसे ही मैं लोड ये हटाता हूँ इस तरीके से 40 वाट का, अब मेरा 300 वाट के लोड पर फिर से ये इन्वर्टर वर्क कर रहा है। और मैं इसे अब ऑफ कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।